किया गया। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून नहीं बना कि किसी का मेहताना उसको ना दिया जाए। 20-20 साल से मेरा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है, उसका रुका हुआ वेतन है, एरियल है, कैशलेस कार्ड है, वर्दी नहीं है, जूते नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा मेरे सफाई कर्मचारी की नहीं है और मेरा कर्मचारी तराई तराई हो रहा है। जब से ये निकम्मी सरकार आई है, जो हमारे केजरीवाल जी, सबसे बड़ा धोखा और विश्वासघात तो हमारी दिल्ली सरकार ने करा है, जो केजरीवाल जी को, जो शीला दीक्षित को 2012 में चौथा वित्त आयोग रिपोर्ट पास करनी थी वो पास ना करके तीन भाग करके चली गई है, जिसकी वजह से मेरे कर्मचारी की आज ये दुर्दशा है। रही सही कसर ये केजरीवाल जी ने कर दी कि ना वो वेतन आयोग की रिपोर्ट पास कर रहे हैं, ना जो हमारा करीबन 10,000 करोड़ रुपया जो मेरे कर्मचारियों को मिलना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, ऊपर से राजनीति कर रहे हैं, मेरे कर्मचारियों को इन्होंने फुटबॉल बना रखा है। हम जब इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं हमने पैसा दे दिया, जब हम यहाँ निगम अधिकारियों के पास जाते हैं वो हमने कहते हैं कि नहीं दिया। इसलिए हमने इस बार नारा दिया है कि इस बार अंतिम बार, इस बार आखिरी बार। लेकिन मैडम, अभी जो केजरीवाल की सरकार है, जो 93 से जिन लोगों की गटर में मौत हो गई है या किसी तरीके से मौत हो गई है, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको पैसा दिया जा रहा है, उनका मुआवजा दिया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, हमारी ऐसी कोई नॉलेज में नहीं आया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर एक सिपाही, एक पुलिसकर्मी मरता है उनको ये 1 करोड़ रुपया देते हैं, और जो मेरा कर्मचारी गटर में गंदगी में मरता है उनकी अनदेखी करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी हमारा केस हमारे संज्ञान में नहीं है। मैं अभी डीएलएफ ग्रीन जो मोती नगर के अंदर एक गटर है उसके अंदर जबस थी, उसके मालिक ने उस गटर के अंदर उतारा, उन 5 लोगों की डेथ हो गई, अभी तक जिसने उतारा था उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आपकी संस्था क्या कर रही है? वही तो दुख की बात है, मैं बता रही हूँ, अगर भारत वर्ष में कहीं किसी की दुर्दशा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सफाई कर्मचारी की, चाहे वो गटर में मरे या वो गंदगी से मरे या वो भूख से मरे, हर हाल में मेरे कर्मचारी की मौत हो रही है। और सारी सरकारें बिल्कुल अनदेखी कर रही हैं, जो कि गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, दिल्ली की आबादी 32 लाख वाल्मीकि समाज दिल्ली में रहता है, और केजरीवाल जी 67 सीटें जो लेके आए हैं ये मेरे समाज की देन है, और आज ये उसी समाज की ये अनदेखी कर रहे हैं। आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? आगामी योजना ये रहेगी कि जैसे कि अभी टर्मिनल पे बताया गया है, कल हम बाबरपुर टर्मिनल पे हम पुतला दहन करेंगे गोपाल राय जी का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, ना मजबूर करें ये सरकारें हमें आगजनी, आत्मदाह और तोड़फोड़ पे, क्योंकि हम सरकार अपने देश के नागरिक हैं, हम तोड़फोड़ नहीं चाहते, लेकिन हम आराम से करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी तरह इनका रवैया रहा तो कन्फर्म दिल्ली में एक कितना उग्र प्रदर्शन होगा जिसको कोई सरकार नहीं रोक पाएगी।